नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिनको देखने के लिए और मिलने के लिए दुनिया तरसती है। एक्टर, सिंगर एंड डायरेक्टर हैं मदन मोहन जी। मदन मोहन जी, आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मदन मोहन जी, एक बात बताइए, आज जो बॉलीवुड्स के अंदर बहुत सारी फिल्में बन रही हैं जी, और बाबा साहब के ऊपर हों चाहे वो क्रांतिकारी लोगों के ऊपर हों, उन फिल्मों को इतना अच्छे से नहीं चलने दिया जाता है, उनको कहीं ना कहीं बीच में रोक दिया जाता है। जैसे अभी एक काला मूवी भी आई थी, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये भी कहीं जाति भेद का है या क्या है, इसके बारे में? बिल्कुल, इसके बारे में आपने जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने पहले कह दिया जी, कि जब काला फिल्म रिलीज़ हुई थी तो हम तो बॉलीवुड में हैं, हमको पता था, और रजनीकांत जी भी इसी समाज से हैं, रजनीकांत जी। तो जब आप इसके पीछे की स्टोरी मैं बताता हूँ, इस फिल्म को रजनीकांत जी की वजह से, उनका जो ऑरा है या जो उनका जो एक सराउंडिंग है, उसकी वजह से वो पॉलिटिक्स में भी आने वाले हैं, तो इस वजह से उस फिल्म को ये बैन तो नहीं कर सकते थे। मगर आप देखिए इन लोगों की बदमाशी की, इस फिल्म को उन्होंने रिलीज़ किया, मगर हर थिएटर में ये आदेश दे दिया, जारी कर दिया पीछे से कि इस फिल्म को उतार दो जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके उतार दो। मैं बॉम्बे में था तो मैं काला देखने गया और कुछ लोगों ने मुझे बताया, वहाँ देखा मैंने कुछ साउथ इंडियन थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो बहुत नाराज़ थे, और उन्होंने आकर के क्या नाम से मल्टीप्लेक्स वालों को धमकी भी दी कि अगर हमारी फिल्म अगर तुमने उतार दी, वक्त से पहले उतार दी, तो आग लग जाएगा। तो अब मेरे पास क्या चारा था? फिर मैंने लोगों को, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे हमारे समाज के लोगों के और लोगों के ग्रुप थे, तो मैंने फटाफट 40-50 टिकट खरीदे, खुद अपने पैसे से खरीदे और अपने लोगों को दिया। फिर इसके बाद जहाँ तक हो सकता था, मेरे पास कुछ उस फिल्म के YouTube का लिंक भी भेजा था, तो जब YouTube लिंक भेजा तो समझ में नहीं आया, एक चीज़ समझ में नहीं आई कि वो लिंक कैसे डीलिंक हो गया, है ना, कि YouTube पे तो आप खोल के देख सकते थे फिल्म, मगर वो डीलिंक कैसे हो गया, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। तो ये जो षड्यंत्र है इनका कि ये अवेयरनेस आ जाएगी ये बहुजन समाज में और मूल निवासियों में, तो मेरे ख्याल से हम लोग को जागना चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों से फिर संपर्क किया कि इस फिल्म को हम लोग जहाँ भी हमारे कॉन्फ्रेंस होंगे या जो भी होंगे, इस फिल्म के डायरेक्टर को बुलाया जाएगा और इस फिल्म को दिखाया जाएगा। सबसे बड़ा तमाचा उनके मुंह पे यही होगा और ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग। तो और भी फिल्में हैं जो बहुत अटकी पड़ी हैं लंबे समय से, उनको दिखा नहीं रहे हैं, उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, उन पर बैन लगा दिया है, तो ये बदमाशियाँ चलती हैं, मगर ये अवेयरनेस हम लोग में आनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे हॉलीवुड फिल्मों में एक रिजर्वेशन सिस्टम है, रिजर्वेशन सिस्टम इस आर्ट की फिल्म में भी होना चाहिए। जैसे आप हॉलीवुड का लीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्लैक आर्टिस्ट को लेंगे तो वहाँ पे सब्सिडी मिलती है जी, है ना, सब्सिडी मिलती है, आपको इतने परसेंट ब्लैक आर्टिस्ट को लेना पड़ेगा, और तो आप तभी देखिए आप हॉलीवुड की फिल्मों में ब्लैक एक्टर एक्ट्रेस हैं, और आज क्या है, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले, आज वो ऑस्कर की दौड़ में आए हैं। तो हमें इसलिए भी संघर्ष करना है कि जो हमारा आर्टिस्ट वर्ग है, ये वर्ग विशेष जो है अलग थलग ना पड़ जाए, बहुत मजबूर और बेसहारा ना हो जाए, इसलिए हम लोग को भी ये और लोगों को भी कदम उठाना चाहिए, सबको मिलके एक सामूहिक कदम उठाना चाहिए कि इस फील्ड में भी हमारे आर्टिस्टों का रिजर्वेशन होना चाहिए और स्टेट लेवल पे शुरू करना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा था कि बहन जी से मिलूं या और लोगों से स्टेट में मिलूं जो दलित समाज से या बैकवर्ड समाज के लोग हैं, उनको ये करना चाहिए, स्टेट लेवल पे ही करें तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। आप थे मदन मोहन जी, जिन्होंने कितनी खूबसूरती से बताया कि कहीं भी कोई भी चीज़ हो वो जाति भेद अभी तक कहीं तक जा नहीं पा रहा है, और जहां तक काला मूवीज़ के बारे में बताया सर ने कि अगर काला मूवीज़ रिलीज़ हो जाती तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के चेहरों से नकाब उतर जाता और बहुजन समाज कहीं ना कहीं जाग जाता। और मदन जी ने एक बात और बहुत खूबसूरती से बताई है कि इन सबको अपडेट करने के लिए या इन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुजन समाज को अपडेट होना पड़ेगा हर एक सेक्टर के अंदर, और सपोर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे को, तभी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाएंगी। हमारे चैनल से बात करने के लिए मदन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।